गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन क्लास करने वाले हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 11.1। ठीक है, तो कक्षा 10 प्रश्नावली 11.1 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 16 किया था अपन ने। इस पे क्वेश्चन, इसकी पूरी थ्योरी अपन ने पढ़ी है। मेनली अपन इसमें वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिज्या खंड हो गया, चाप की लंबाई होगी और वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अगर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने पास है और अपन को दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है तो उसको पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, और यदि दीर्घ त्रिज्यखंड का, और यदि अपने पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपन ने निकाल लिया है और अपन को निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो अगर पाई आर स्क्वायर में माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अपन ने मेनली इसमें देखा है चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई इसको एल से डिनोट करते हैं, वो अपन ने पढ़ाया क्या होगा, पाई आर थीटा बटे 180, जहां आर वर्ग की त्रिज्या और थीटा केंद्र पर अंतरित कोण है। उसके बाद में अपन ने पढ़ाया त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड है ना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन ने देखा है क्या क्या निकाला था पिछली क्लास में, देखना कैसे निकाला था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, या अपन इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई आर थीटा एल इंटू आर, तो ये पाई आर थीटा आर और गुना हुआ था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके बाद में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो अपन निकालेंगे कैसे, पाई आर स्क्वायर थीटा त्रिज्यखंड में से माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना है तो इसको माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर में से, और दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है तो इसको माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर में से। ठीक है, ये और बता देता हूँ आपको ये होता क्या क्या है। ठीक है, तो अगर ये केंद्र पे अपन ने कंपास लिया, प्रकार लिया और यहां से यहां तक का ए से बी चाप काट लिया। ठीक है, ये त्रिज्या आर है। ठीक है, और ये जी हो गई ए बी, तो अगर ये पूरे की बात करें ओ ए बी, ये पूरा क्षेत्रफल है तो ये क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और यदि इस त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो कौन सा बचेगा, केवल ये वाला, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और ये यहां से यहां तक जो परिधि का भाग है ये चाप है, तो ये हो जाएगी चाप की लंबाई। ठीक है, और ये है केंद्र पे अंतरित कोण थीटा। अब आपको मेरे को लग रहा है पूरा पूरा समझ में आ गया होगा, जो भी क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन इंग्लिश में है, इंग्लिश एनसीईआरटी का बुक मिला है इधर, तो एक फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर है ना, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस वर्ग की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और एंगल कितना है केंद्र पर 60 डिग्री। ठीक है, त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 60 डिग्री। ठीक है, यह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो जब तक आ नहीं जाए पाई का मान अपन लेंगे 22/7, आर हो गया 6 × 6, थीटा हो गया 60/360, 60 × 60, 60 × 360, 6 × 6, 6 × 6। ठीक है, तो ये आ गया
जी 132/7, 7 × 7 = 62, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, 6 × 60, 60 में कितना बार जाएगा, 7 × 8 = 56, ठीक है। फिर बच गए 4, 40 × 7 = 35, ठीक है। तो ये इतना लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, तो वर्ग सेंटीमीटर इतना आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 11.1 आंसर है 132/7 cm², ठीक है। अपन ने आगे तक सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो अपन को वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। आपको वृत्त की परिधि दे रखी है, परिधि क्यों दी है भाई, त्रिज्या निकालने के लिए 22 सेंटीमीटर। और अपन को क्या निकालना है, चतुर्थांश, नाम से स्पष्ट है वृत्त का चतुर्थांश, ठीक है। तो आप वैसे सीधा ही निकाल सकते हो, बाकी आपको दोनों तरीके बता दूंगा, ठीक है। ये आपका वृत्त है, इसको 4 भागों में अगर बांट देते हैं, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो ये चतुर्थांश हो गया। ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अभी कोई सा भी आप मान लो, हर चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर है। और देख रहे, हर चतुर्थांश क्या है, एक त्रिज्या खंड है, ठीक है। हर चतुर्थांश एक क्या है, त्रिज्या खंड है। और कोण कितना है केंद्र पे, बताइए, 90 डिग्री। कोण कितना है, 90। क्यों, क्योंकि एक बिंदु के चारों तरफ कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो टोटल कितने कोण बने हुए हैं, 4। तो 360 को 4 से भाग किया तो 90 डिग्री। ये भी 90, 90 180, 90 270 और 90 360। तो यहां इससे अपन को पता चल गया है, यहाँ थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। बाकी 2πr का मान अपन को दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो 2 × 22/7 × r = 22, 22 × 22 r बराबर आ गया 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब तक चतुर्थांश क्या है, त्रिज्या खंड है। हर चतुर्थांश क्या है, एक त्रिज्या खंड है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 7/2 × 7/2 × 90, थीटा की जगह 90/360, 90 × 360, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 11 × 11 और 2 × 2, तो ऊपर तो आ गया 11 × 7 = 77 और नीचे आ गया 4 × 8 cm², ठीक है ना। तो एक कितना बार चला गया, 8 × 9 = 72, ठीक है। 2 बज के 20, 8 × 16, 8 × 5 = 40, 9.25 cm², 9.25, इसने यहीं रोक दे रहा है 77/8 cm². अब यहां तक आंसर निकाल के आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपके आंसर हो गए। और ये देखो दूसरा तरीका क्या है, ये तो तरीका हो गया फर्स्ट है, दूसरा आपको बताता हूँ सिंपल सा। 4 टुकड़े हैं, ठीक है, चतुर्थांश 4 होते हैं वृत्त में। तो हर चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे वृत्त का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो चौथा हिस्सा का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। पाई आर स्क्वायर में 4 का भाग दे दो, हर चतुर्थांश का निकल जाएगा। बाकी इससे भी अपन पता कर सकते हैं, जैसे ये क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, थीटा की जगह रख दो 90, चतुर्थांश से तो 90 रहेगा ना,
90 चौक 360। देखो हर चतुर्थांश से क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई भाई 4। ठीक है, तो सेम ही है, समझ में आया सबको? वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। घड़ी में 3 सुई होती है, सबसे बड़ी होती है मिनट की, है ना, मिनट की रोज लगभग बराबरी होती है सेकंड की। तो ये मिनट की सुई है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, जो घड़ी वृत्त है उसकी त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या एक तरह से अपने पास हो गई है 14 सेंटीमीटर। आगे देखो, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाई द मिनट, तो एरिया ज्ञात करो 5 मिनट में। ठीक है, इस घड़ी की सुई के द्वारा जो एरिया बना है ना, वो 5 मिनट में कितना एरिया बना है वो अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो 5 मिनट में घड़ी की सुई देखो कितना एंगल बनाती है ना, 5 मिनट में घड़ी क्या होगी, अभी बता देता हूं, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ये कितना है 7 है, ये 8 है और यहाँ होगा 9, यहाँ 10 और यहाँ 11 और ये 12। ठीक है, तो ये घड़ी की सुई 60 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट में यहां से शुरू होगी और यहाँ 3 पे है मतलब 15 मिनट, यहाँ 20 मिनट, यहाँ 25 मिनट, ठीक है, यहाँ 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट और ये 60 मिनट। ठीक है, यहाँ जाके तो एक पूरा चक्कर लगाती है 60 मिनट में, तो 60 मिनट में केंद्र पे कितने डिग्री का, 60 मिनट में घड़ी की सुई, घड़ी की कौन सी सुई, मिनट की सुई, कौन बनाती है, कितना कौन बनाती है बताओ, 60 मिनट में एक चक्कर पूरा काट देती है ना, तो बिंदु के चारों तरफ के कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। इसीलिए ये चूंकि इसीलिए एक मिनट में घड़ी की मिनट की सुई कौन बनाएगी, 360/60 36 6 डिग्री। तो अपन को कितने मिनट में क्षेत्रफल निकालना है, 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 × 5 30 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास थीटा का मान आ गया है 30 डिग्री। देखो हर 5 मिनट में 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 और 360। ठीक है, तो घड़ी की सुई 5 मिनट में क्या हुआ, जैसे मान लो 12 पे थी तो अब घड़ी की सुई कितने पे आ जाएगी, 1 पे, 5 मिनट में ये होगा ना, और ये कोण कितना डिग्री का हो गया, 30 का, और यहाँ भी 14 सेंटीमीटर की रहेगी, यहाँ भी 14 सेंटीमीटर की, तो ये वृत्त हो गया और इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो अतः 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300। तो बताओ ये क्यों होगा, क्योंकि वो त्रिज्याखंडी बन रहा है। ठीक है, 5 मिनट में मान लो यहां से यहां ये है घड़ी की सुई, तो ये क्या बन जा रहा है, त्रिज्याखंड बन जा रहा है, और इस त्रिज्याखंड के थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। 10 मिनट में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 10 कर देंगे 60 डिग्री थीटा का मान।
15 मिनट में पूछेगा तो कितना, 15 को 6 से किया तो 15 मिनट में 90 डिग्री, क्योंकि यहां से यहां आ जाएगा तो 90 डिग्री, ठीक है। तो पाई की जगह 22 बटे 7, आर की जगह 14 इंटू 14 और थीटा की जगह 30 डिग्री बटे 360, 0 से 0 कट गई, बार दिया 36, 7 दुनी 14, 2 एकम 2, 2 चिकी 12, 2 दिया 6, 11 दुनी 22, तो ऊपर तो बच गया 11 इंटू 14 और नीचे बच गया 3, तो 11 को 14 से गुणा किया तो 14 एकम 14, 14 एकम 14 एक 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर सही आंसर है आपके, ठीक है, समझ में आया सबको। अब अगर बोले 15 मिनट में कितना बनाएगी मिनट की सुई, तो 6 इंटू 15 मिनट कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, बाकी आर का मान 14 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 3। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े आसान क्वेश्चन है अगर अच्छे से आप समझ के कर रहे हो। बस ये पता चलना है कि बंद क्या रहा है, बीजखंड बन रहा है कि वृत्तखंड बन रहा है, ठीक है, या आपको पता चल जा रहा है तो आप आधा क्वेश्चन तो वही सॉल्व कर दे रहे हो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, एक वृत्त की जीवा, एक जीवा है वृत्त की जिसकी त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, और वो वृत्त के सेंटर पे केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। तो फाइंड द एरिया ऑफ द, एक तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और एक दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आपको दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पर एक जीवा है ना, वो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का, ठीक है। ये जीवा है, मान लो ये O है, ये A है और ये B है, ठीक है। तो R का मान आ गया 10 सेंटीमीटर और थीटा का मान आ गया 90 डिग्री। अब आपको पहला तो क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और दूसरा आपको क्या निकालना है, मेजर सेक्टर, मतलब दीर्घ त्रिज्याखंड का, देखो लघु वृत्तखंड तो क्या हो गया आपका ये, ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, छोटा वाला है ना वृत्तखंड, तो ये तो हो जाएगा लघु वृत्तखंड, बाकी लघु त्रिज्याखंड क्या हो जाएगा, ये पूरा वाला, इस वृत्तखंड को और त्रिभुज को मिला दे तो ये पूरा हो जाएगा लघु त्रिज्याखंड। तो आपको इस पूरे त्रिभुज वाला पार्ट के इधर वाले पार्ट के अलावा जो ये पूरा पार्ट है उसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो पहले लघु त्रिज्याखंड का निकाल लेंगे और उसको पूरे वृत्त में से माइनस कर देंगे तो दीर्घ त्रिज्याखंड आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पहले वाला सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा, ठीक है। पाई की जगह क्वेश्चन में बोल रखा है 3.14 यूज करना है, यह आपका हो गया 10 इंटू 10 और थीटा का मान हो गया 90 बटे 360 माइनस आर स्क्वायर 10 इंटू 10 बटे 2 साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका हो गया 90 चौक 360 और 10 10 100, 3.14 से गुणा किया तो ये हो गया 314, 20 की वजह से ये पॉइंट हट गया बटे 4 माइनस 2 पंजे 10, 10 को 5 से गुणा किया तो 50 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। आप पढ़ेंगे त्रिकोणमिति तो बस समझाऊंगा आपको क्यों होती है 1, बाकी चौस्तम 28 चैंट 32, तो चौस्तम 28 यहां से कितने बच गए, 3 बच गए 34, चैंट 32 4 पंजे 20 78.5 हो गए, 4 पंजे 20 2 असल चैंट 32 2 34 3 असल
चेस्ना प्रतिदिन 31 सही है, 78.5 माइनस 50 को एक चुना गया तो 50, ये 50 कितना हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका गया लघु वर्तकण का क्षेत्रफल माइनस सेगमेंट का क्षेत्रफल 28.5। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लघु वर्तकण का क्षेत्रफल। अब आपको सेकेंड निकालना है दीर्घ तिरछेदन का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर थीटा का मान 180 डिग्री से छोटा है तो हमेशा जो भी आपको उसके संगत तिरछेखंड होगा या वृत्तखंड होगा वो हमेशा क्या होगा, लघु होगा, माइनर होगा। ठीक है, तो अब करते हैं दूसरा, तो दीर्घ तिरछेखंड का क्षेत्रफल, तो पहले लघु का निकाल ले, लघु तिरछेखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि 90 है तो लघु का ही आएगा, लघु तिरछेखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और ये वैसे अभी कितना आया था पीछे वाले क्वेश्चन में किया था ना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, एक बार और कर देता हूँ, पाई की जगह 3.14 इंटू आर की जगह 10 × 10 इंटू 90 बटे 360, 90 × 360 बाकी ये आया था 314/4, तो आपका कितना आया था 78.5, ये आया था क्या, 4×20 = 2 × 6 × 4 = 32 × 34 × 3 × 6 = 36। हाँ, तो ये आ गया आपका 78.5। अभी कैलकुलेशन कहते हैं 78.5 सेंटीमीटर है इसका, जिसमें 50 निकला था त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपके पास पूरा वर्तखंड का बच गया था 28.5 सेंटीमीटर। तो दीर्घ तिरछेखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब ये पूरा इधर वाला आपने निकाल लिया 78.5 है, तो पूरे वर्त में से ये 78.5 निकाल दोगे तो ये कौन सा बच जाएगा, दीर्घ तिरछेखंड, तो पाई आर स्क्वायर में से क्या निकाल दोगे, लघु तिरछेखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 3.14 × 10² माइनस ये आपका है 78.5, तो ये हो गया 314 − 78.5 बराबर देखो 0, 10 में से 5 गए तो 5 पॉइंट, यहाँ बच गए 3, 13 में से 8 गए तो 5। ठीक है, यहाँ बच गए 0, 10 में से 7 गए तो 3, और यहाँ बच गए 2, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ गया आपका 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आंसर है। ठीक है, समझ में आया, आपने लघु तिरछेखंड का निकाल लिया और पूरे वर्त में से माइनस कर दिया तो आपके पास क्या बच गया, दीर्घ तिरछेखंड का क्षेत्रफल, तो ये क्वेश्चन हो गए 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, बहुत अच्छा मैथ है, कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, मैथ पढ़ने के यही फायदे हैं, याद कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, एक चाप जो कितना डिग्री एंगल बना रहा है केंद्र पे, 60 डिग्री, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, देखो आपको डाटा ऐसे दे दे रहा है, और ये जो चाप है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है केंद्र पे, 60 डिग्री का। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क, सबसे निकालना है चाप की लंबाई, देखो करते जाओ क्वेश्चन को हाथों हाथ, इसलिए पाई आर थीटा बटे 180 होता है चाप की लंबाई। ठीक है, बोला तो नहीं है पाई की जगह मान रखने के लिए, कुछ नहीं बोला है, तो 22/7 रखना पड़ेगा, 22/7 इंटू आर है 21 और थीटा है 180 चाप की लंबाई है, 60 × 60 = 180, 7 × 21 3 × 3 कट गया, तो 22 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, चाप की लंबाई। पहला क्वेश्चन आसान है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मड बाय द चाप, है ना, तिरछेखंड का क्षेत्रफल जो इस चाप से तिरछेखंड बना है उस तिरछेखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यागण का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 या फिर
या अपन मैं आपको सिखाया था 1/2 × L × R, इतनी बड़ी कैलकुलेशन किस लिए करनी है जब L आपने निकाल रखी है, L की जगह 22, ऐसे नहीं करना है तो इसमें वैल्यू रख लो, दोबारा कैलकुलेशन कर लो, और L की जगह R की जगह 21, तो 11, 11 कम 11 असल 1, 11 22 रहे 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया त्रिज्यागण का क्षेत्रफल। और तीसरा क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मड बाय द कोरिस्पोंडिंग चोर्ड, जीवा के द्वारा बनाया गया जो इस चाप के संगत जीवा होगी, ठीक है। ये क्या था, ये चाप है ए बी, ठीक है, ये यहाँ 60 डिग्री बना रहा था, ये 21 है, 21 है, तो इसके संगत ये जीवा हो गई ना, इसके द्वारा जो ये वर्तखंड बनाया है उसका क्षेत्रफल भी बताइए, ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी पूछ रहा है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। इसका मान तो अभी अपन निकालें कितना है, 231 माइनस इसका लिख दो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 441 बटे 2 और साइन 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, रूट 3 बटे 2 नहीं होता है क्या, तो ये हो गया 231 माइनस 60 डिग्री कर रहा है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है, पांचवा है ये, ठीक है, तो 231 आर स्क्वायर क्या हो गया 441 बटे 2 और ये हो गया आपका साइन 60 कितना हो गया, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, ठीक है, और साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है ए, तो √3/2, तो 231 माइनस 441 इंटू 1.73/4, 231 माइनस 4 से काटो 4 एकम 4, 4 एकम 4 भाग टूट के 0, 4 दुनिया 8, 4 बंजो 20, 4 बजे 20, 2 से 4 दुनिया 8, 2 10 एक असल 0 1, 4 एकम 4, 4 ये आ गया इंटू 1.73, ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेना। बाकी क्वेश्चन में ऐसे ही दे रखा है 231 आंसर में 441 √3/4, बाकी इसको गुणा करके भी कर सकते हो, ठीक है, बाकी आंसर ऐसे ही इसमें दे रखा है, ठीक है, इसको गुणा करके 231 में से माइनस कर दोगे तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा।